तू देख लेना, एक दिन गाय ला के खड़ी कर दूंगा तेरे दरवाजे पे। परी भैया, कबरी गाय तो बहुत ही सुंदर है ना। हाँ। तू सत्संग में गावेगी तो हम भी जरूर बजाएंगे। पप्पू लो इसकी तिलक लगा दो। आ आ आ आ आ आ आ आ आ रुपया नकद दिए थे। अरे हथेली गरम किए बगैर बोला क्या गैया देते। सब आए पर हीरा और शोभा नहीं आए। ना आए सुना ना होगा का? जब तक एक साथ में थे एक बकरी तक नहीं ली, अब एकदम से पछाई गाय कहाँ से आ गई? अरे पूछो उससे जाके, जब बापू मरे थे तो कितने पैसे छोड़ गए थे। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे, गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। हटो, पाइस्कोप की बातें करने लगे। उनका कारंदा था अनोखे लाल, जो हमेशा आता है। चौपाल पर सबको बुला रहा था। क्यों? अल्लाह जाने। देखो भाइयों, राय साहब का कहना है जब तक लगान ना चुका दिया जाए किसान खेतों में हल ना उतारेंगे। हुजूर, माई बाप खेतों पे हल ना चलेगा तो रुपया कहाँ से मिलेगा? निकलेगा तो खेतों से ही ना। हुजूर, हम कोनो गांव छोड़कर थोड़े ही भाग जाएंगे। अब पहले भी जो बन पड़ा देते रहे हैं, आगे भी देंगे। अरे तुम्हें अपने अपने घरों की फिक्र है, जमींदार साहब को पूरे देश की फिक्र करनी है। और ये भी क्या करेंगे, आप लोगों पर रहम करेंगे तो किसी दूसरे पर जुल्म होगा। देखो भाई, तुम लोग हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम भी बड़े हैं और हमारे दाम भी बड़े हैं। हमें 5-7 दिनों में 20,000 का बंदोबस्त करना है, कैसे होगा? तुम लोग दान भी देते हो तो अपनी मर्जी से देते हो, दिया ना दिया हमारे लिए दान भी लाजमी होता है। अब अगर देश के लिए गांधी बाबा 20,000 मांग ले तो हमें देना पड़ेगा। तुम लोग सोचते होगे क्यों मालिक हमारे सामने अपना दुखड़ा रोने बैठ गए। अब आप ही बताइए कि हम अपने मन की बात अपनी प्रजा से ना कहें तो और किससे कहें? और तुम लोग अगर वक्त पर काम ना आओ तो मुझे सख्ती करनी पड़ती है। और फिर मैं दान नहीं मांग रहा हूं, जो बनता है वही मांग रहा हूं। चलो 2 दिन की जगह 5 दिन की मोहलत देता हूं, 5 दिनों में लगान की रकम चुकता कर दो। किसान मर जाएंगे हुजूर, 5 दिन में भला कहां से इंतजाम करेंगे? जेवर गहने भी बेचेंगे तो हफ्ता तो लग ही जाता है। जो इन्हें 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो 10 दिन दिए, लेकिन 10 दिनों में रकम पहुंच जानी चाहिए। जो हुक्म सरकार, जो। होरी कैसे हो? आप ही की दया है मालिक। ये सब कहने की बातें हैं बापू, कहने की। मुसीबत में कोई दान नहीं करता। ये सारे रुपए देते हैं तो कौंसल की ममरी लेने के लिए, और कौंसल की ममरी लेते हैं और धन बटोरने के लिए। रात दिन बापू, रात दिन चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है और फिर भी गुजारा नहीं होता। इन्हें क्या है, एक दिन खेत में वो गोड़ना पड़े ना तो ये सारी देशभक्ति निकल जाएगी। कौन तुमसे मुंह लड़ाए भैया, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। अभी सोचो कि रुपयों का अंजाम कहां से होगा, पहले कहीं नहीं चुके हैं। 5 साल पहले मंगरू साहब से 60 रुपये लिए थे,
बैल के लिए। और 60 से ज्यादा दे चुके बापू। बस 60 के 60 ही बने हैं बेटुआ। माता जी से 30 रुपये लिए थे आलू की बुआई के वक्त। आलू ही दिए, ससुर रुपये भी लौटाए, गए 3 साल में 100 रुपये हो गए। वो सेठानी दुलारी है, उसके यहाँ से तो रोज तेल तम्बाकू आता ही रहता है। उससे 40 रुपये लिए थे बंटवारे के समय भाइयों को देने के लिए, वो भी जैसे के तैसे बने। अरे भैया, अब इसके मिजाज का करूं? वैसे इसकी उम्र में हम भी ऐसे ही थे। लागिन ठाकुर। हाँ जीते रहो, कैसे हो री? आप का कहें, कैसे हैं? बहुत ही विपदा में हैं, सो आपके पास आए हैं। वो सब पुराना रुपया क्या कर डाला? अरे ठाकुर, कौन सा पुराना रुपया? जो होता तो महाजनों से पिंड न छुड़ा लेते, अब सूद देना किसे अच्छा लगा था? हाँ, गड़े रुपए ना निकले चाहे सूद कितना ही देना पड़े। अरे महाराज, कौन सा गड़ा रुपया? अब देखो, बेटा जवान है, ब्याह का कोई ठिकाना नहीं, बड़ी लड़की भी सयानी हो गई है। अब गड़ा रुपया होता तो किस दिन के लिए रखता? अच्छा भैया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो राजी हो ना? रुपया चाहे कितना भी ले लो, पर तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। औरी गहना कुछ जेवर गिरवी रख के रुपया ले लो, स्टाम्प लिखोगे तो झमेले में पड़ोगे और सूद भी देना पड़ेगा। जिसकी चाहे सौगंध ले लो, गहने के नाम पे तो कच्चा धागा भी नहीं है घर, और धनिया जो कड़े पहनती है वो तो गिलटके हैं। तो एक काम करो औरी, वो जो नई गाय लाए हो उसे हमारे हाथों भेज दो। नहीं, 4 आदमी जो दाम कहे वो हमसे ले लो, पर स्टाम्प सूद के बखेड़ों से बच जाओगे। कहो क्या कहते हो? वो तो महाराज घर से पूछना पड़ेगा। तो पूछ लो, पर एक बात समझा देना, ये सूद ऐसा मेहमान है जो एक बार घर में आए फिर जाता नहीं। गाय बेचोगे तो भोला अपने पैसे नहीं मांगेगा, छोड़ थोड़ी देगा वो। पता नहीं उधार की गाय पे तुमने हामी कैसे भर दी। पागल हो गई तू? हामी कहाँ भरी है मैंने? हामी भरी होती तो अभी तक आंगन में खड़ी ना होती गाय। क्या क्या था पूछ के बताऊंगा। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? पूछ तो लिया सबसे। छोटी तो रोते रोते शाम से सो गई, बड़ी तुमसे तो कुछ ना बोले,
मुझसे कहती है मुझे ही बेच दो, गाय से तो बेस ही मिलेगा। दिन बीत गया, गोबर तो आया नहीं, आएगा उससे भी पूछ लेंगे। अरे उससे क्या पूछना है, उसे अपने सत्संग से फुर्सती कहाँ है। यारी हो गई है उसकी वो छोकरी के भाई से, उसी गांव पड़ा रहता है बस। अरे छोकरी के भाई से नहीं, छोकरी से। एक दिन तो ये भी रंग दिखाएगा अपना। तो मुंह में है पक देती है बस। सुनो, मेरी मानो ना तो ठाकुर की बात को भूल जाओ। दे दे तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से सूद पे पैसों का इंतजाम कर लो। हाँ, जहाँ पहले रुपए चुकेंगे ना तो ये भी चुक जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। उधार में दोस्त की गाय बेचना भी तो धर्म की बात नहीं है। अरे जरा सा बाहर बांध देता हूँ, बहुत घुटन है, हवा भी नहीं चल रही आज। आज 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 आ बाहर, गर्मी से बच मेरा बच्चा। आज सुनिए जी, दादा आए हैं। कौन दादा? बड़े भैया, और कौन? अरे अरे दादा 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 पाए लागे जी। दादा बैठो। का शोभा, सुना था दमे का रोग फिर से लग गया है। हाँ दादा, अरे कुछ पानी शरबत ला दादा के लिए। भुनेरी खाएंगे दादा? दूं? हाँ, बहुत दिन से तेरे हाथ की भुनेरी नहीं खाए हैं, ले या। भैया लगान का क्या सोचा, क्या करना है? कुछ नहीं दादा, इस खेती बाड़ी में तो अब चलन है नहीं, इससे तो अच्छा है अपने खेत जमींदार को दे दें और मजदूरी करने लगे। ना भैया, ऐसा कभी ना करियो। जमीन एक बार हाथ से गई तो लौट के वापस नहीं आता। ये ही मारे तो हम घर से निकले हैं कि देखें कि तू और हीरा का करत हो। हमारे लिए तो बेटों की तरह हो, तो फिकर तो लगी ही रहती है। लो दादा, खुश रहो भाई। हीरा पता नहीं क्या करेगा दादा, कल से जला भुना बैठा है। उसका बस चले तो किसी का सर ही फोड़ दे। आज आज अनोखे लाल से मारपीट करी। लो, संभालो भैया संभालो। अच्छा चला था भैया। तुझे भी भाई की फिक्र सता रही है, मैं अभी तेरे यहाँ से हो क्या रहा? कुछ नहीं भैया, वो चिलम के लिए ऐसी आंच लेने निकल आया था। तू गांजा बहुत पीता है, मत पिया कर। भैया कल सवेरे बात करेंगे, अभी मेरी मति ठीक नहीं है। अरे सुन तो, अरे हीरा बहुत सी बातें करनी है तुझसे। अरे हीरा सुन तो। हाँ।
देख ली नहीं अपने सपूत की लीला? इतनी रात हो गई है पर उसको सैर सपाटे से छुट्टी ना मिले। भोले की छुकरिया है ना वो चुनिया, उसी के फेर में पड़ा हुआ है। अरे तुझसे किसने कह दिया? अरे तुम्हें ही नहीं जानो, सारा गांव जाने है। ये है भग्गा, वो 72 घाट का पानी पिए हुए। तुझसे किसने कह दिया? गऊ ने, वो भी तो उसी के घर से आई है ना। अच्छा, गैया के साथ उसे भी ले आते तो। दादा, 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 गैया को क्या हो गया दादा? काले ने काट लिया क्या? पूरी तड़प रही है दादा, माँ चलो। है ना? दादा, दादा, अरे अरे, अरे राम रे, अरे इसको क्या हो गया? जा बेटुआ, बहन जी को बुला के ला जल्दी से। दादा, पता नहीं। अरे वो छोरियां ना जाग जाएं, मैं जाके दरवाजा लगा देती हूँ। जल्दी चलिए ना बैद जी। अरे भाई चल रहे हैं, टोपी तो सर पर रख लेने दो। जी जी चलिए। छड़ी कहाँ गई? यहीं तो लटकी थी। बैद जी, अरे आ रहे हैं भाई, ये रही। चलिए बैद जी चलिए। ओफो, आफत न करो, चलो आइए। चलिए आगे जल्दी। भैया गैया तो ठंडी हुई गई, झाग देखने से पता लगता है कि किसी ने जहरीली बूटी खिला दी इसे। ये अनर्थ पता नहीं किस पापी ने किया है। राम 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 राम। माँ, माँ दरवाजा खोलो। बापू, दरवाजा खोलो ना बापू। कुछ चाहिए का?
हेलो एक बात कहूं, इस तेरे पेट में पच जाए तो तुझे किस पे शक है? किसने हमारी गैया को बेच दिया होगा? पता नहीं, मेरा तो मत्था घूम रहा है सोच सोच के। ऐसा भी नहीं कि कहीं से कुछ खा के आई हो। तब हुआ जब तुमने गैया को बाहर बांधा, अपने भाइयों के घर गए होके आए ना तुम, बस उसी बीच किसी ने अंधेर कर दिया। तुम्हें किस पे शक है? झिंगरी सिंह ठाकुर पे, जिनको गाय ना बेची हमने? ना, मुझे हीरा पे शक है। वो कैसे? उसी के तो घर बैठे थे तुम। मैं जब वहां गया तो वहां नहीं था वो, यहाँ कैया के पास खड़ा था जब मैं लौट के आया तो मैंने आवाज दी तो कहने लगा कि चलो उनके लिए कोयला लेने आया हूँ, और लिया भी। वो चूल्हा तो यहाँ है, वो वहां गाय के पास क्या कर रहा था? फिर मैंने रोकने की कोशिश की तो बड़ी उतावली में निकल लिया। ना ना ना, हीरा इतना बुरा तो नहीं है। ऐसा पाप करने के लिए तो कलेजा चाहिए। हाँ, अब ये बात किसी से कहियो मत गाँव में। पर जो ये बात सत्य हो ना, तो सुबह होते ही ना लाला को थाने में ना पहुंचवाया तो मैं असली बाप की नहीं। धीरे बोल धनिया, गांव वालों को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये अनर्थ क्या, अनर्थ का बाप हो जाएगा? मैं तो लाला को जेल की चक्की भिजवाए बिना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, अरे क्या बक रही है तू? तेरे पास सबूत ही क्या है? सबूत है, तुम हो, तुमने देखा, तुम गवाही दोगे। हाँ, हो ना, हो ना, पगला गई है तू। La 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 la.